श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोध्याय। प्रधान विषय, इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, 8 से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, 19 से 42 श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन कहा गया है। श्री भगवान उवाच, भूयए महावाहो श्रृणु मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणः प्रभवम् न महर्ष्यः, अहम् आदिरिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर ज्ञान मसम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभ्यमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ते पृथक विदः। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता क्षमा सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय भय और अभय भी तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनुस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा। और हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में सब संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। और जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां प्यान्ति ते। और वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तेषां एवानुकंपार्थम अहम् ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुनोवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋष्यः सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे पति कहते हैं। सर्वे तद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवः स्वयमात्मनात्मानं वेथ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्मविभूतया याविर्विभूति भिर्लोकान इमान त्वं व्यापतिष्ठसि। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया विस्तृणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच, हंतते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूत्या प्रधान्यतः पुरुषश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तृश्यमे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्चि मध्यम च भूतानामन्तेव च। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति अर्थात चंद्रमा हूँ। और मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ तथा भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति मैं ही हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी माहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं को पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्था सर्वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। और सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। उच्चैः श्रवस्मश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम चनाधिपम आयुधानाम हम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी।
और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव, सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादशामहं पितृणां अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेश्च पक्षिणां। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोत्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधहे प्रवदतामहं। और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षः कालो धाता हम विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधाधिति क्षमा। तथा मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधाधिति और क्षमा भी मैं ही हूँ। बृहत्साम तथा सामानाम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्ग शीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकरः द्योतम छलयतामस्मि तेजस्य तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ और 12 महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषीणाम वासुदेवोऽस्मि पांडवा नाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुष्णा कविः दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। और वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तुम एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनियों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन नातदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप् एष्टु देशतः प्रोक्तो विभूतेर् विस्तरो मया। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे प्रंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेववा तत्तद् देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टम्याहमिदं कृत्स्नम एकांशे स्थितो जगत। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान।
अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्याय। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्।